सब लोग केवल हम पर श्रद्धा ही ना रखें, केवल हमको भगवान नहीं ना माने, हमको अपना सखा भी माने, पुत्र भी माने, प्रेमी भी माने, ये संबंध लोगों के हमसे बन पाए, इसके लिए ठाकुर जी की ये लीला। आह कैसी लीला करी भगवान ने, बोले वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास स्तेयम् स्वादद्दधिपय कल्पितैस्तेययोगै मरकान् भोक्षन् विवजति सचेन्नात्रि भाण्डं भिनति। ठाकुर जी के ऊधम बताए गए। एक गोपी के यहां भगवान पहुंचे, गोपी ने मीठो दही निकारो, मीठो दही बनायो कभी आपने अपने घर में? हम बताएं कैसे बनेगा, बनाया हमने भी नहीं है, बस यहां पढ़ करके पता चल गया कैसे बनेगा। दूध में बढ़िया खांड की मिश्री डालो और मिश्री डाल करके दूध को तब तक चलाते रहो जब तक दूध अधोटा नहीं हो जाए, और जैसे ही अधोटा दूध है जाए वह अधोटे दूध को जमाए दो, जैसे ही जमाए दोगे महाराज ऐसी कटेमा दही बनेगी, मतलब ऐसे चक्कू से काटनी पड़ेगी और मीठी मीठी दही। ऐसी एक गोपी ने मीठो दही बनायो और वाकू हंडी में सजा के नीचे रख के वापे मूढ़ो रख के स्वयं गोपी बैठ गई। ठाकुर जी आए, गोपी बोली लाला आज तो को एक चुनौती दऊं। बोले कहा? बोले तू 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 दही ढूंढ के बताए दे, यदि तो को दही मिल गई तो तू जो कहेगो सो तो को करूंगे। ठाकुर जी की तो नासिका इतनी तेज, महाराज सूंघ करके तुरंत ठाकुर जी समझ गए, बोले ये बैठी का यहीं धरो दही। जौहरी जाने हीरे को हीरे की पहचान, ठाकुर जी भी जाने दही कहाँ रखो दूध कहाँ रखो सब पतो है। तो वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। ठाकुर जी ने इतने में ही अपने ग्वाल बालन को इशारों किया, सबरे ग्वाल बाल गए और बाहर जाके वाके बछड़ा बछियान को खोल के भाग गए। जैसे ही बछड़ा बछिया खुली, ठाकुर जी बोले देख गोपी तू यहां बैठी है, तेरे बछड़ा बछिया सबरे खुल गए बाहर। तो वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। गोपी ने जैसी देखी बछड़ा बछिया खुल गए, सोई दौड़ी महाराज संभालवे को। इतने में ही ठाकुर जी बोले उठ गई, मूड़ा उठाए करके सोई। ठाकुर जी ने दही उठाए लियो, प्रेम से भोग लगायो। अच्छा एक ये जो प्रसंग है ना, ये गोपियां शिकायत कर रही हैं यशोदा मैया से जा करके, ठाकुर जी ने चोरी कैसे कैसे की ये नहीं बताया, गोपियां आकर के बता रही हैं कि ठाकुर जी कैसी चोरी करते हैं। गोपी बोली मैया हमारे पूज्य पिताजी महाराज बहुत सुंदर सुनाते हैं। देखे बिन कान्हा जब मन ना ही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। सब गोपियां विचार करती हैं, इतने दिना है गए नंदलाला दिखो ना है कहा करें। तो सब गोपियां झूठी झूठी कहानियां बना करके गई यशोदा मैया के पास और मैया से जाके बोली मैया तुम अपने लाला को समझा लो, नहीं तो काव दिन हम अपनो हाथ दिखाई देंगी वाकू। मैया बोली कावे हो मेरे लाला ने कहा की हो ऐसो। एक गोपी बोली तुम्हारो लाला कहा ना करे, वत्सान मुंचन को दि समय। बोले मैया तुम्हारो लाला चोरी करे। यशोदा मैया हंसने लगी, बोले तुम चोरी काय बात की चोरी, गहने चुरावे हीरो चुरावे तुम्हारे सोने चांदी चुरावे। बोले ना मैया स्तेयम् स्वादद्दधिपयः, आपको लाला दही दूध मक्खन की चोरी करे। यशोदा मैया बहुत हंसी, बोले अरे गोपियों जाके घर में 9 लाख गैया हैं, घी को कुआ दही की नदी बह रही है, वाह वाह लाला को दूसरे घर जाके चोरी करवी कहा आवश्यकता है।
9 लाख गैया इतनो दूध घी दही मेरे घर में है कि मैं चाहूं तो पूरे गोकुल को दही में नहवाए सकूं, और तुम कह रही हो मेरो लाला तुम्हारे घर आके दही चोरी करे, दूध चोरी करे, मक्खन चोरी करे। बोलो मैया सांची कह रही है हम। अरे छोटो बालक है, कभी आके खा गए होगा तुम, बाकी चोरी को इल्जाम लेके यहाँ आ गई। बोले ना ही मैया, तुम्हारा लाला घर घर जाके करे। बोले कैसे करे ने बताओ। बोले मैया जा घर में ज्यादा प्रतिबंध हो, ठाकुर जी के अथक प्रयासों से भी ठाकुर जी चोरी ना कर पावे, ऐसे घर की तो शामत आ जाती है। मतलब गोपियों ने इतनी व्यवस्था कर दी कि ठाकुर जी चोरी ही नहीं कर पा रहे, तो ये समझ लो उस घर में गोपियां भोजन नहीं बना सकती हैं। क्यों? बोले ठाकुर जी या तो बालकों को नोच के भाग जाएंगे, या तो बछड़ा बछियाओं को खोल के भाग जाएंगे। और एक गोपी बोली मैं हनादिनी वास्तव बोले जैसे ही ठाकुर जी घर में घुसते हैं चोरी नहीं कर पाते, तो टेढ़ी नजर से उस घर की ओर देखते हैं और गोपी तो कहें गोपी तेरे घर को माखन हम चोरी ना कर पाए। गोपी बोली तो फिर क्या करेगा? बोले कल तेरे घर भोजन नहीं बनेगा, ये हमारा वचन है। यशोदा मैया बोली तो फिर कहा भयो? बोले तुम्हारो लाला सवन के उठवे ते पहले आ जाए, और पहले आके अपनी धोती वोती खोल के जा चूल्हा पे भोजन बनो, वहीं पे गानों गा दे, सब करियावे मेहनादीनी वास्तव। अब बनाओ रोटी कैसे बनाओगे? अच्छा ये बात सत्य नहीं है, ये गोपियों के उल्हाने हैं, गोपियां गलत बोल रही हैं। सुखदेव जी परीक्षित जी को समझा रहे हैं ठाकुर जी ने ये सब किया नहीं है, ये गोपियां झूठ बोल रही हैं यशोदा मैया से जाके। मैया बोली गोपी सही में मेरे लाला ने ये सब किया? बोले हाँ मैया। एक गोपी बोली मैया देख हमारी बात सुन, तेरो लाला कितनी चोरी करे हमको दिक्कत नहीं, पर मरकान भोक्षण विभजति सचेन नात्रि भांडम विनत्ति, ये जो बंदरन को खवा दे मैया वास से हमको बड़ी दिक्कत, तेरो लाला चाहे कितनो पावे हमें कोई दिक्कत ना, लेकिन स्वयं तो पावे ग्वाल बालन को खवावे फिर भी इतनो रहम ना करे कि बच्चे कुछ मक्खन को छोड़ जाए हमारे काज, मरकान भोक्षण बंदरन में बांट दे। एक गोपी बोली मेरे घर तो इतनी बड़ी हंडी कि लाला ने उपा लियो, ग्वालन ने उपा लियो, बंदरन ने उपा लियो, फिर भी मक्खन बच गयो। तो यशोदा मैया बोली तो तेरे घर मक्खन बच गयो? बोले ना। बोले नात्रि भांडम भिनत्ती, मटकी को फोड़ के भाग गयो। और बोले जितनो मक्खन बचो उतनो मक्खन पूरे घर में लीप के चलोगो, दीवारन पे जमीन पे सब जगह लीप अपोती करके चलोगो। मैया मैं जमुना जल भरवे गई, लौट के जैसे ही आई अपने घर के दरवाजे को खोल के जैसे ही मैंने पाम भीतर दियो, इतने में ही चीकनो मक्खन मेरे पामन में लगो, और भीतर जाती मेरो तो पूरो शरीर गिर गयो, मैं गिरी फिर मटकी फूटी माखन जल दोनों मिल गयो। मैया बोली फिर का भयो? बोले फिर का ऐसी गिरी सिर जाके सीधे दीवार में ही लगो मेरे, उठ ही नहीं पाई, उठूं गिरूं उठूं गिरूं। मैया खिसक खिसक के बाहर आई मैं। क्यों? पूरे घर में मक्खन फैला गो तुम्हारा लाला? यशोदा मैया सुन नहीं है, गोपियां सुंदर सुंदर भाव दे करके उल्हाने दे रही हैं। कोई गोपी कह रही है बोले मैया मैं पंजीरी भूंज रही तुम्हारो लाला आयो, मुते आके बोलो भाभी जी कहा कर रही हो? मैंने कि लाला आज तेरे भैया को जन्मदिन है, सत्यनारायण भगवान कथा घर में, पंजीरी भूज रही हूं, आ जाइयो ना धो के, और सुन बाहर जा, चल रसोई से बाहर निकल, बिना नहाए दो रसोई में घुसे भोग बनना है यहां पे। सो दोनों कमर पे हाथ धर के बोलो भाभी जी सांची पूछो तो असली जय जय मैं ही हूं, सत्यनारायण मैं ही हूं, मेरो ही भोग लगाओ, आ जा तुम मुकू प्रणाम कर लो, मैं आशीर्वाद दे दूंगा तुमको। अब मैंने ने एक बालक जान के ने कैसे धर दियो धीरे ते, चल बने सत्यनारायण मोह धोवे ना है, नहावे धोवे है ना है, बने सत्यनारायण। सो टेढ़ो सो मोकर के बोलो भाभी तेने असली सत्यनारायण की निंदा करिए, देखियो तो को भोगना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ ठीक है भोग लूंगी, चल भग जाए यहां। सो मैया जन कहां थे, दो पिल्ला पकड़ लाया भारते, और भीतर सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर जाके बैठा दिए,
और जाते जाते बोला, भाभी जी नेक अपने सत्यनारायण को देखे आओ। मैं दौड़ करके गई तो चतुर्भुज सत्यनारायण भगवान के दोनों तरफ पिल्ला बैठे हैं। परमानंद दास जी अष्ट सखा के परमानंद दास जी वर्णन कर रहे हैं, परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। ऐसो उदम मचावे तुम्हारो लाला। एक गोपी बोली, मेरे संग जो भयो वो कोई के संग ना भयो होगो। वो तेरे संग कहा भयो? बोले मेरे पति को भी जन्म देनो, मैंने भी अपने घर सत्यनारायण की सेवा करवाई, तुम्हारो लाला आके मुंह से भी यही कह के गयो। बोले भाभी सत्यनारायण को नकार, घर ते मोए बैठा, मेरी पूजा कर, मेरा भोग लगा, मैं ही असली जय जय हूं। तो मैंने वो डांट के भगाए दियो। मुते बोलो आज रात को तो को सबक मिलेगो। मैंने की छोटो सो लाला ऐसी बोलतो रे। बोलो मैया मेरे पतिदेव 60 वर्ष के है गए, मैं और मेरे पति दोनों कक्ष में सो रहे, तुम्हारो लाला खिड़की में ते आयो और मेरे पति की लंबी दाढ़ी मेरी चोटी ते घुर गांठ बांध के भाग गयो। रात को जैसे ही मेरे पति उठे, अब उनकी दाढ़ी खींचे मेरी चोटी खींचे, वो कहें का कर रही हो का कर रही हो, मैं कहूँ का कर रहे हो का कर रहे हो, वो कहें का कर रही हो का कर रही हो, और दोनों की दाढ़ी चोटी खींचती गई। नेक दीप जलाए करके देखो तो पता चली हमारे पतिदेव की 30% दाढ़ी के बाल तो टूट गए। ऐसो उदम मचावे तुम्हारो लाला। यशोदा मैया को विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित ये सब उल्हाने गोपियों ने केवल ठाकुर जी को देखने के लिए किए कि किसी कारण से मैया को गुस्सा आवे और मैया लाला को हमारे सामने बुला के डांटेंगी तो उतनी देर हम लाला को देख लेंगे। बंधुओं सोचो गोपियों की उम्र कितनी है पता है? 60 साल, 80 साल, 90 साल, 50 साल, और ठाकुर जी कितने? 3.5 वर्ष के। 3.5 वर्ष के ठाकुर जी के प्रति गोपियों का प्रियतम भाव है, ये काम प्रेम तो नहीं हो सकता, ये सामान्य सांसारिक प्रेम नहीं हो सकता। इतने में ही मैया ने आवाज लगाई, लाला ओ कन्हैया जल्दी आ। अच्छा ठाकुर जी रोज सोते हैं रात्रि में और सुबह ऐसे थोड़ी उठते हैं ठाकुर जी? हमारे बिहारी जी में प्रथम आरती 8 बजे होती है और वो आरती भी बिना घंटी के होती है। क्यों लाला 8 बजे क्यों उठो भैया? अरे नेक सो लाला है, देर तक सोवे या हमारे 8 बजे उठेंगे, घंटी क्यों ना बजेगी? छोटो सो लाला डर नहीं जाए इसलिए। ठाकुर जी ऐसे थोड़ी उठते। यशोदा मैया जाए मनोहार करे, पाम वाम दबावे, ठाकुर जी को 2-4 प्रलोभन देवेगी तब उठते हैं। एक पद गाया जाता हम अपने लाल जी को उसी पद से ही उठाते हैं। जागरे बल जई है मोहन, जागरे बल जई है। यशोदा मैया कह रहे लाला जग जा, तेरी बलैया लूंगी लाला उठ जा। आहा पीली चदरिया ओढ़ करके ठाकुर जी सो रहे हैं। जैसे ही मैया ने आकर के पाम दबाए बोले लाला उठ जा, सो ठाकुर जी अपनी पीली चदरिया नेक नीची करें, आंखन से यशोदा मैया को देख रहे हैं और यशोदा मैया को देख रहे हैं, मैं ना उठ रहा हूं, मुझे नींद आ रही है, फिर सो गए। बोले लाला देख तेरे कारण श्याम सुन, मैं नई मुरलिया ले हूं। लाला देख मैं तेरे काजी नई मुरली लेके आई हूं। सोई ठाकुर जी चदरी हटाए, कहां है मुरली कहां है? सोई मैया पुरानी मुरली दिखा दे। लाला अभी आते काम चला, नई ले आऊंगी तो कुतु उठ तो जा। सोई ठाकुर जी फिर से धर ले, ना है मुकु नई मुरलिया लाओ तभी उठूंगा मैं। ठाकुर जी फिर सो जाए। मैया खूब सारे प्रलोभन दे रही है, ठाकुर जी के लिए दूध लाई है, लड्डू लाई है। अच्छा ठाकुर जी कैसे? यहां तो हमारे इतने आचार विचार, उठो पहले नहाओ धो मुंह धो पाठ पूजा करो फिर नाश्ता करो। ठाकुर जी कैसे उठे? उठते पट दूध पियो।
यशोदा मैया जब तक दूध को पात्र में होते ना लगा दे तब तक ठाकुर जी आंख ना खुलें, जब मुंह में दूध चलो जाए तब ठाकुर जी आंख खोलें, और फिर दूध खत्म है तो रोने लग जाए क्यों, तुरंत लड्डू खवाओ तब ठाकुर जी की शुरुआत होवे दिन की। ऐसे हमारे ब्रज के लाला। यशोदा मैया कहें, लाला देख तू तो सो रहो है और देख मां बलराम सबरी गैयान को लेकर के वन में जा रहो चरावे, और तू को छोड़ के जा रहो यहीं पे। गायन के गलबंद खूटे डगर वन की लई है। जैसे ही ठाकुर जी ने सुनी बलराम जी गैया लेके जा रहे हैं चरावे, सोए ठाकुर जी ने चदरिया हटाए दी, उठ करके दौड़े गौशाला की ओर, जाके देखी सबरी गैया गौशाला में बैठी है, बलराम जी नंद बाबा के पास बैठे, सोई ठाकुर जी रोन लगे। इतने में ही मैया ने गोदी में बोले, अब तो लाला उठ गयो, अब तो तू उठ गयो, चल अब तेरा मुंह धो दूं। सोई मुंह धोवा के मैया दूध पिवावे नाश्ता करावे, ऐसे उठे ठाकुर जी, इतनी मनोहार करनी पड़े। हमारे यहां अष्ट सखाओं ने, ब्रज के कई रसिक जनों ने असंख्य पद लिखे हैं ठाकुर जी को उठाने के, हर पद की व्याख्या हो तो महीना भर की कथा हो जाए। ठाकुर जी कितने कितने नाटक करते हैं उठने में सुबह, लेकिन आज यशोदा मैया कैसे उठा रही है, कन्हैया ओ लाला जल्दी उठ। ठाकुर जी पलना में लेटे लेटे बोले, मैया ऐसे तो उठावे ना है कभी, आज इतनो क्रोध क्यों कर रही है। ठाकुर जी उठ के बैठ गए, अपनी आंख मीड़ी तो महाराज सबरो काजल फैल गयो, जगन्नाथ भगवान जैसी आंख है गई, सुंदर घुंघराले केश कछु आगे आ रहे हैं कछु पीछे जा रहे हैं, आहा मधुर ठाकुर जी उबासी ले रहे हैं, छोटो सो मुख है, पलना से उतर करके धीमे धीमे चाल चल रहे हैं, नींद भर रही है आंखन में, चल करके उतर करके आए, जैसे ही बाहर आए सो धूप पड़ते ठाकुर जी के नेत्र बंद है गए। ये छवि गोपियां देख रही हैं और दूर से ही बलैयां ले रही हैं, जय हो नंद नंदन की, जय हो नंद के लाला की, जय हो। ठाकुर जी बाहर आए और बाहर आते इतनी भीड़ देखी ठाकुर जी ने, सोई यशोदा मैया के पल्लू में जाके छुप गए, और वह पल्लू से ऐसे करके देख रहे हैं ये सब कौन है गोपी। ऐसी मधुर छवि को वर्णन श्री सुखदेव जी कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैंने वेदों में ब्रह्म को ढूंढा लेकिन मुझे ब्रह्म नहीं मिला, कहां मिले। आहा गोप बधूटी पटान चले न बद्ध। ब्रह्मा जी कहते हैं एक साधारण सी गोपी जिसके हाथ में गोबर भी लगो है, कमर में मटकी भी लगी है, वह गोपी के पल्लू में छुपे भाई मैंने ठाकुर जी को देखो, और वह पल्लू को नेक नेक हटाए के वहां में से देख रहे हैं, वहां मैंने पर ब्रह्म को देखा। ठाकुर जी गोपियों को देख रहे हैं। मैया ने बोली, अरे लाला ये सब गोपी कहा कह रही हैं, तेने बाकी यहां ये कियो ये कियो। मैया ने सबरी बात बताई, और ये उधम तू करे, और या गोपी ने तो ऐसी बात कही, मैं हनादि निवास तो तू चूल्हा पे बैठ के सब काम करी आयो। ठाकुर जी के नेत्रों में मोटे मोटे आंसू, क्योंकि सब झूठ बोल रही है। मैया मैं तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मुझको ये ना पता इनको घर कौन सी गली में, सबरी झूठ बोल रही है। लेकिन यशोदा मैया तो डांट ही रही है ठाकुर जी को। जैसे ही लाल जी के नेत्रन से आंसू प्रकट भए, सब गोपियां मैया के चरण, मैया मैया बस 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 है गई, कोई बात ना है, हमारो ही तो लाला है, कोई बात ना करे तो कोई बात ना, अब कल ते लाला ना करेगा, ठीक है लाला मत करियो अब कल ते, ठीक है हम जा रही हैं। सबरी ठाकुर जी को डांट पड़वा के वहां से चली गई। यशोदा मैया ने डांट तो दिया था ठाकुर जी को, फिर गोद में बिठाया, हृदय से लगाया, बोल लाला तू चोरी तो करे, तेरी खबर मुकू बलराम ने भी दई है कि तू चोरी करे। मैया मैं चोरी ना करूं, ये सबरे ब्रजवासी अपने माखन मिश्री और ये माखन दही दूध सब कंस को बांटिया में, मैं तो वह कंस के पास जावे से बचाऊं या मारे खा जाऊं, ताकि ये सब यूं कह देंगे चोरी है गयो, कहां से कर दें, या मारे मैया चोरी करूं। लेकिन मैया तू चाहे कि मैं चोरी बंद कर दूं, बोले हाँ लाला तू चोरी बंद कर दे, चोरी मत करे कर, देख तेरे पास कहां कमी है, तू मत करे कर चोरी, कोई बात ना देख लेंगे हम। ठाकुर जी बोले यही सही समय है, मैया से अपने मन की बात कह दो। बोले मैया ठीक
चोरी नहीं करूंगा, लेकिन मेरी एक मन की बात सुन। बोले कहा, सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब ना करूंगो चोरी। मैया मैं सौगंध खा के कह रहा हूं, अब दूसरे घरन में पराए घरन में जाके चोरी ना करूंगो, पर सांची कह कब लावेगी मोकु तो दुल्हन गोरी। भैया मेरे का दुल्हन कब लेके आवेगी। ओहो यशोदा मैया ने जैसी दुल्हन को नाम सुनो, अरे हे रे लाला कहा बात करे। बोले मैया तू मेरा ब्याह करा दे, मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूं, मैं चोरी वोरी सब बंद कर दूंगा, तू बस मेरा ब्याह करा दे। अरे तो पे मोह तो दो आवे ना है, चलनो फिरनो भी ढंग से सीखो ना, तो कोई ब्याह ब्याह की बात कौन बतावे। अरे मेरो सखा है ना मधुमंगल, वो ही बतावे। वो लाला ब्याह कर ले जल्दी थे, घर बसा ले अपना, अब तू बड़ो है गो, यशोदा मैया बूढ़ी है गई है, यशोदा मैया पे चलो फिरो जाए ना, तू ब्याह कर ले जल्दी थे। मैया तब ते मेरे मन में आ गई, मैं तो ब्याह करूंगो। मैया बोली आप मधुमंगल है आंधे यार, बताऊंगी दारी के ये सब सिखावे छोरा। अरे मैया तू मेरा ब्याह करा दे। मैया बोली तो तू पता हो छोरी कैसी हूं मैं, कैसी लाली चाहिए तो को, कैसी बहू चाहिए। ठाकुर जी कह रहे हैं, गोरी सी होए सुभग छोटी, छोटी सी लइयो मैया, कितनी छोटी नेक सोसो तो तू है, और कितनी छोटी चाहिए। बोले इतनी छोटी लिया मैया कि मैं गैया चरावे जाऊं तो जेब में धर के ले जाए करूं, और जब मन करे करे तब वाकू बाहर निकाल के वहां से बात कर ले करूं और फिर धर ले करूं। तो छोटी सी होए सुभग गोरी, और सुवा सारी नाक आंख मोटी। मैया पैनी सिवा की लंबी नाक होए और बड़ी बड़ी आंख होए, और नाक कैसी। बोले तोता जैसी नाक हो। मैया ऐसी बहू लिया। यशोदा मैया की आंखों में प्रेमाश्रु आ रहे हैं अपने लाला की बात सुन के, और मैया ऐसी लियो तोते छुपाए मुख घूंघट में मुस्का जाए थोड़ी थोड़ी। मैया तेरे सामने घूंघट करके रह करे, और जैसी तू आए करे सोई मुस्का के भाग जाए करे, ऐसी बहू लिया मैया मेरे काजे। मैया तेरे पाम पर रहा हूं मैया, तू मुझको बहू लिया। मैया बोली अच्छा ठीक है अब ज्यादा मत बोले, ले आऊंगी। अब जैसे ही मैया ने कही ले आऊंगी, सोई ठाकुर जी पीछे पीछे चलन लगे। बोले कहा भयो। बोले करा मेरो ब्याह। बोले अबई। बोले हाँ अबई ब्याह जाइयो, अबई ब्याह करूंगा मैं तो। मैया मैया मेरी एक बात सुन ले। बोले कहा। मैया एक बात तो समझाऊं। बोले कहा। जब मेरो ब्याह होगा ना, मैं सवन को लेके जाऊंगो, पूरे गोकुल को लेके जाऊंगो, और मैया अपनी गैयान को भी लेके जाऊंगो, बछड़ान को भी लेके जाऊंगो, बच्चियान की भी बरात जावेगी मेरे संग में। लेकिन बलदाऊ संग न ले जाऊं, या बलरा में ना लेके जाऊंगो मैं। मैया बोली तेरो बड़ो भैया है भाई, क्यों ना लेके जाएगा। बोले मैया मैं कारो हूं ना, वो गोरो है, कहीं बहू मेरे गरे में मारा डाल ली हो, और वही समय बलराम यदि वाकू दिख गयो तो गोरे पे आकर्षण आके कहीं वो बलराम के गले में मारा नहीं डाल दे, मेरा तो ब्याह टूट जाएगा। मैया मेरी बहू बात ब्याह कर लेगी, या मेरे बलराम है ना लेके जाऊंगा मैया संग में। बलदाऊ संग न ले जाऊ, मैया तू मेरा ब्याह करा दे, और बाबा ते कह के मगवाए दे चढ़वे कु सुंदर घोड़ी। सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब ना करूंगो चोरी। यशोदा मैया अपने नन्हे से लाला को हृदय से लगा करके बैठी है। ऐसी मधुर तोतरी वाणी में लाल जी की ये शब्द सुन करके यशोदा मैया अपने हृदय के मणि को हृदय से और चुपकाए ले, परंतु आकाश में खड़े देवता कह रहे हैं मैया तेरे भाग्य की कही ना जाए। जो धन पड़ो शीर सागर में सो तेने गोद खिलायो, मैया तेरे भाग्य की कही ना जाए। यशोदा तेरे कितने भाग्य हैं।